आजकल जब भी मैं न्यूज पढ़ता हूँ या न्यूज देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इनके जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकता हूँ। क्योंकि अधिकांश युवा पीढ़ी के लोग नशा, धूम्रपान और बुरी आदतों के शिकार हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि ज्यादातर लोग जब अपने स्कूल में थे तो ऐसी कोई गंदी आदतें नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब वे उच्च शिक्षा के लिए गए, हायर स्टडीज के लिए गए, तो इतने गंदी आदतों के शिकार हो गए? मैं किसी के जीवन में कैसे नई आशा की किरण ला सकता हूँ? By reading this book, I came to know about many values which we should cultivate in our life and made some changes. आपके द्वारा दान किया हुआ एक भगवत गीता भी किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, उसमें नई सोच पैदा कर सकता है, उसमें नई विचारधारा ला सकता है। ऐसा कहा गया है, अगर आप भूखे को खिलाएं तो कुछ घंटे के बाद उसे फिर से भूख लगेगी। अगर आप पैसे दान करते हैं तो यह कुछ महीनों तक काम आएगा। अगर आप शिक्षा देते हैं तो यह कुछ सालों तक काम आएगा। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं तो यह पूरे जीवन काम आएगा और जीवन के बाद भी काम आएगा।